ताली बजाते रहेंगे और क्या करेंगे। शंकराचार्य को अपने पद का अभिमान की बात नहीं है, ध्यान रखना चाहिए, गौरव का कथा का। किसी दल के हो गए तो शंकराचार्य क्या रहे, दल तो बनता है बिगड़ता है, एक दल में भी कई ढंग के विचारक होते हैं। क्या नरसिंह राव अपने ढंग से चलाते थे, क्या कांग्रेसी थे, आजकल के कांग्रेसी राहुल यादव अपने ढंग से चलते हैं, एक दल में भी तो अंतर पड़ता नहीं विचार का आगे। 2024 में जो चुनाव होने वाला है महाराज जी, और राम मंदिर का उद्घाटन भी हो रहा है, जैसे आप लोग नहीं जा रहे हैं, इसको लेकर के क्या चुनाव पर कोई असर पड़ सकता है? चुनाव पर हमें क्या पता, जो कि असर पड़ेगा या न पड़ेगा देख लीजिएगा। सुनिए, हम तो किसी दल के समर्थन में या विरोध में बोलते नहीं, समझ गए, किसी दल के समर्थन में या विरोध में। स्वप्न में भी हमने आज तक किसी को नहीं कहा कि अमुक को वोट दो अमुक को वोट दो, ना हमारा हृदय बिल्कुल स्पष्ट, जो बोलना है हम बोलते हैं। और वो एटम बम रख दिया जाए मुझे डर नहीं लगता, मेरी वाणी पर लोभ भय कोरी भावुकता विवेक का प्रभाव होता नहीं। और आपको ये तो मालूम ही होगा, हमने कहा था कि हिंदू धर्म में सबकी जीविका जम से सुरक्षित, उसका अनुगमन किया है नहीं प्रधानमंत्री आदि ने, जो हम कहते हैं उसका अनुगमन तो लोग करने के लिए बाध्य होते हैं। सीमा की सुरक्षा इसको लेकर सबकी जीविका जम से सुरक्षित सब तो अच्छा। गाय को लेकर जो हमने कहा, अब गाय को चारा देने लग गई या नहीं, एक और कहा था गो रक्षा गुंडे, एक और कहा गो माता, अब गाय पाल करके गाय को चारा देने लग गई या नहीं। अनुगमन भी करते हैं और दबाने का प्रयास भी करते हैं, यही नेताओं का स्वरूप क्या है, अनुगमन भी करते हैं दबाने का प्रयास भी करते हैं। 370 धारा निरस्त कैसे हुई, हमारे यहाँ से सबसे पहले आवाज़ आई थी या नहीं? 370 धारा निरस्त करने की आवाज़ कहाँ से आई थी, हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से चली आगे। यह नाराजगी की बात कही जा रही है शंकराचार्यों में, अभी शारदा पीठ के शंकराचार्य जी बोले हैं जो नहीं, वो बोल रहे हैं जो नहीं, कोई नाराजगी नहीं है हम लोगों में इस बात को लेकर, यही जो राम मंदिर पर ये प्रतिष्ठा समारोह प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, प्रतिष्ठा तो होनी चाहिए जी, लेकिन राम जी सेकुलर तो नहीं थे, वेदादि शास्त्र सम्मत धर्म के पालन करने वाले थे, भगवान के अवतार होने पर भी। तो शास्त्रीय विधा जो है प्रतिष्ठा की पूजा की, उसका विलोप ना हो, उसकी पूर्ण रक्षा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आदि जो होते हैं उनका दायित्व होता है कि जो शास्त्र सम्मत विधा है धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में, उसमें जो विधि निषेध हैं उनका पालन करवाने का उनका दायित्व होता है। कोई मर्यादा का उल्लंघन करना या करवाना उनका दायित्व नहीं होता, इससे तो उनका अपकर्ष ही होता है। तो महाराज जी ये जो हो रहा है तो आप इसको मान रहे हैं, मर्यादा का उल्लंघन वहाँ हो रहा है, जो शास्त्रीय विधि जो है उसका पालन नहीं हो रहा है? ऐसा है कि पंडित लोग तो विधि विधान से अपना मंत्र आदि पढ़ेंगे ही, लेकिन मूर्ति के स्पर्श की कोई मर्यादा होती है, मुहूर्त का भी कोई शास्त्र सम्मत स्वरूप होता है, उन सब पर ध्यान न दे करके शास्त्र सम्मत विधा से प्रतिष्ठा तो होगी, मंत्र आदि पंडित लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन इसमें एक प्रकार से जो सेकुलर तंत्र है उसका हस्तक्षेप पूरा है। अच्छा, चारों शंकराचार्यों में भी नाराजगी है क्या? अब ऐसा है कि मैंने बाकी जो तीन हैं उनसे संपर्क नहीं किया है, श्रृंगेरी का जो स्वरूप है मौन रहना या जिसका शासन है उसके साथ रहना, वो परंपरा से उनकी यही विधा होती है। और जो द्वारका के अभी हैं उनका वक्तव्य मुझे कोई कार में सुना रहे थे, वो मैंने सुन लिया। और जोशी मठ के विश्व हिंदू परिषद वाले आदि मानते हैं वासुदेवानंद जी को, कोई और भी हैं जो अपने को कहते हैं, तो वासुदेवानंद जी महाराज तो हमेशा से आरएसएस भाजपा के समर्थक ही रहे, हमारा आपस में कोई संवाद नहीं है, कोई एक दूसरे से भिड़ने की बात भी नहीं, हमको जो कहना होता है हम कहते हैं, शास्त्र सम्मत विधा से कहते हैं, देश काल परिस्थिति का ध्यान रखते हुए कहते हैं, हमारी हर बात दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध करके
है, किसी को नीचा दिखाने के लिए मैं कभी बोलता नहीं। महाराज जी पश्चिम बंगाल में गंगा सागर कुछ साधु संत आ रहे थे, पुरुलिया में उनके ऊपर हमला किया गया, इसको किस तरह से देख रहे हैं बंगाल? ये तो बहुत ही निकृष्ट काम है हमला करना संतों पर, नास्तिकता की अराजकता की पराकाष्ठा। संतों के प्रति आस्था में तो होने चाहिए, राष्ट्र की रक्षा तो संतों के द्वारा होती है, विशेष करके जिनको हम चिमटा बजाने वाले संत कहते हैं। वन में रहते हैं तो वन सुरक्षित रहता है, गाँव में पढ़े लिखे भले ही कम हो भजन करते थे चिमटा रखते थे उनसे गाँव की सुरक्षा होती थी। जब से सब शहर की ओर भागे, वन भी विकृत हो गया, वनवासी भी धर्मच्युत हो गए, गांव वाले भी धर्मच्युत हो गए, संत लोग जो हैं जितने फक्कर होते हैं गांव में रहते हैं वन में रहते हैं उन्हीं के द्वारा तो अस्तित्व आदर्श की रक्षा होती थी। जैसा सुना है आप कह रहे हैं उस ढंग से आक्रमण करना सब संचित है और एक प्रकार से प्रांत के लिए भी कलंक ही है, इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। महाराज जी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उन्होंने भी आमंत्रण को वहां पर ठुकरा दिया है जाने से, उनका कहना है ये लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रचार करने की कोशिश कर रही है। ऐसा कि राजनेता क्या कहते हैं क्या करते हैं उससे हमारा ध्यान नहीं है, हमने जो अपने लिए निर्णय लिया है विवेकपूर्वक लिया। महाराज जी 22 तारीख को जो बोल रहे हैं कि राम जी का मूर्ति स्थापित होगा और बताया जा रहा है कि देश में उस दिन जितने भी मंदिर है दीप प्रज्वलित किया जाए, आप किस तरह से देखना चाहते हैं उस दिन भारतवर्ष आपकी नज़र से? अरे रोजे दीपावली मने तो मुझे क्या है, हिंदुओं के यहाँ तो विशेषता है संचय और शोक को हिंदू अधिक समय नहीं पाल सकता। आज यह पर्व यह त्यौहार क्या दो महीने का संचय को द्रव्यादि और शोक को अधिक समय हिंदू नहीं पाल सकता। आज यह त्यौहार कल वह त्यौहार कोई मर भी गया परिवार में अधिक समय तक शोक को नहीं पाल सकता, अधिक धन नहीं पाल सकता, उसको दान दो दक्षिणा दो इस पर्व में स्वागत करो यहाँ ब्राह्मणों को दो यहाँ अतिथियों को दो। संचय और शोक से मुक्त रखने वाले हिंदुओं के पर्व त्यौहार हैं, पर्व त्यौहार होते रहे अच्छा है।